तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सभी के। वेलकम टू दृष्टि पटन स्टोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज मेरे पास है पोथोस ब्रोकन हार्ट जिसे बोलते हैं और भी कई नाम से उनके जाना जाता है। ये मेरी वही वाली ब्रोकन हार्ट है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की थी लगभग 350 रुपये की, और काफ़ी अच्छी इसकी जो है ग्रोथ हुई। और अभी मैंने हालांकि इसमें से निकाला नहीं है, अभी इसी की इसी में ही रखा हुआ है जिस तरीके से पॉट आया था। तो ये मेरे ख्याल से इसका जो मैंने जो वीडियो किया था, अगर आप देखना चाहें उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है इसको परचेस किया था ऑनलाइन। फिलहाल आज मैं इसको करूंगा प्रोपेगेट और इस वाले गमले में से लगाऊंगा, इस वाले गमले में, बड़े वाले गमले के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। कटिंग लगाऊंगा मैं अभी इसकी और इसको मैं कट कर लूँगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये राइस हस्क और कोकोपीट है, दोनों चीज़ें मिली हुई हैं और इनको मैं लगाने वाला हूँ। ये मिट्टी के मेरे जो है लस्सी वाले कुल्लर हैं, इस तरीके से चाय वाले, ये मैं काम में लूँगा। इनको देख सकते हैं, इनके नीचे मैंने होल कर रखे हैं, पीछे से देख सकते हैं। तो इनको मैं रखता हूँ अभी वन साइड। ये चार मेरे कुल्लर हैं। अब मैं इसको आप बता दूँ क्या चीज़ लेना है मुझे इसके साथ साथ, और वीडियो पर ज़रा बने रहें एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। तो इसमें जो है मैं अभी बता दूं आपको मिट्टी में मुझे क्या लेनी है। मिट्टी के अंदर मुझे लेना है थोड़ा सा रूट पावर करके कुछ आता है एक, वैसे तो ना लूँ मुझे कोई हरज भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लगा रहा हूँ कि जिसके अंदर रूट लगी लगाइए। फ़िलहाल इसके अंदर रूट तो है। और दूसरा मैं लूँगा ये थोड़ा सा फंगीसाइड, देख सकते हैं ये मेरा बारिश में भीगने के कारण जो है इसका ऐसा हाल हो चुका है। फंगीसाइड इसलिए लूँगा ताकि इसमें कोई तरह का कोई फंगस ना लगे इस कटिंग के अंदर, इस सॉइल मीडिया को पहले तो मिला लूँगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको कट करना है और कैसे इसकी कटिंग लेनी है और कैसे लगाना है। और कटिंग लगाने के लिए जो मैंने लिया है क्लोनेक्स का जो है रूटिंग हार्मोन, जो कि मैं आपको इसका वीडियो बना करके दिखा चुका हूँ। ये मैंने 3500 के करीब का ये लिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसका रिजल्ट भी देखेंगे अभी बाद में कैसा रिजल्ट रहा। यह हमारा हो चुका है रेडी। फिलहाल हम इसको करते हैं एक साइड। अब पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी हम कटिंग कैसे लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ से हमें लेनी है क्या। तो अभी हम फिलहाल आपको दिखाते हैं इसको कट करके। यहाँ से हम करेंगे, ये हमारी जो नई शूट यहाँ से निकलना शुरू हो रही है, तो हम यहाँ से भी एक लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से ले लेंगे। ये हमारा एक कटिंग हो गई रेडी, और यहाँ से हम इसको यहीं कट कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी फिर दूसरी कटिंग रेडी। ये देख सकते हैं यहाँ से हमारी ये रूट निकल रही है, इस वाली रूट को हम लेंगे और इस तरीके से हमें लगाना है। अभी और हम कट कर लेते हैं बाकी सारी ढेर सारी। तो बाकी अभी मैं इसको भी कट करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ से ले लूँगा मैं। और इसको लगाने का जो है स्टाइल देखें इसका कैसा घूमसा रहा है। इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ से कट कर लूँगा, इन दोनों को मैं इस तरीके से लगाने वाला हूँ। इसको तो देखूंगा किस तरीके से लगा रहा। फिलहाल मैं अभी कटिंग्स रेडी कर लेता हूँ इसकी निकाल करके ब्रांच। और तो इस तरीके से आपको जो है कटिंग्स को कलेक्ट कर लेना है और ये इस तरीके से हम इसको लगाने वाले हैं। तो ये हमारी कटिंग्स रेडी हो चुकी हैं, तो अभी हम इसको लगा कर दिखाएंगे किस तरीके से लगाना है इनको। और काफ़ी ईजी टू ग्रो है इसका प्रोपिगेशन। तो फिलहाल मैं इसको लगाता हूँ अभी इस टाइप के एक पॉट के अंदर। ये मेरी तीन कटिंग्स हैं, ये देखें इस तरीके से मैं लगा दूंगा। और इनका अपडेट मैं जल्दी से जल्द लेकर के आऊँगा, और कैसा इसका रिजल्ट रहा वो सारा मैं आपको, किस तरीके से इनकी ग्रोइंग हुई। और ये देखें ये कुल्लड़ हमारा एक और भर चुका है, इसमें हम इस तरीके से इसको भी लगा देंगे। दो कटिंग्स को लगाऊंगा इसके अंदर भी। और ये जो मैंने लगाई हैं ये बिना रूटिंग हार्मोन के लगा रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, और बाकी जो है मैं रूटिंग हार्मोन इन वालों में लगाऊंगा अभी, बड़े वालों में लगा करके दिखाऊंगा एक। और इस तरीके से ये रही हमारी एक कटिंग, इसमें हम लगा देंगे इस तरीके से, ये हो गया हमारा एक। अगर आप इस तरीके से पोथोस को जो है मतलब ब्रोकन हार्ट को जो है ग्रोइंग करें, ग्रो करेंगे और इनकी कटिंग तैयार करेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट है, तो इस तरीके से आप इसको लगाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और
इंडोर इसे रख सकते हैं। मैंने काफ़ी समय तक इसको रखा, धूप में रखा रहा तो इस वजह से जो है थोड़ा सा बर्निंग हुई इसके अंदर, पर मैंने जब इसको इंडोर रखा छायादार जगह में, लो लाइट में भी रखा, लो लाइट में भी ये सर्वाइव हुआ और अच्छे से चला ये प्लांट मेरा। ये देखें ये हमारे इतने अभी लग चुके हैं, अभी और देखता हूँ इस कप के अंदर भी एक आधा और आ सकता है, ये आ जाएगा इस तरीके से। और ये देखें ये हमारा लग चुका है, ये देख सकते हैं ये इतने हमारे रेडी हो चुके हैं। अब रही बात इस वाले पोथोस की और इस वाले की, मैं इस वाले को जो है रूटिंग हार्मोन लगा करके इसमें लगाऊंगा अभी फ़िलहाल, तो मैं इस वाले में एक को लगाता हूँ, ये वाला मैं पूरा पौधा, यहाँ से देखें नई शूट आना शुरू हो चुकी है तो मैं इसको निकाल करके लगाऊंगा, इसके अंदर पूरा ऐसा का ऐसा ही रख दूंगा, देख सकते हैं। ये रहा हमारा गमला और ये हम इसको निकाल देंगे, और ये इसकी रूट जो है डेवलप तो हुई है पर इसके टूटने के चांस ज़्यादा थे, इसलिए हम इसको जो है निकाल देते हैं और इस तरीके से फिर नए गमले के अंदर इसको शिफ्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारा जो है इसका पौधों की रूट को ज़्यादा सा जगह मिल सके। ये हमारा हो गया है जो पुराना मदर प्लांट जो है ये, उसको हमने रिपोर्ट करा, और लगाने का समय जो है मैं बताऊँ आपको इसको, तो वो यही है कि आप जो है अब बरसात का टाइम शुरू है आप लगा सकते हैं, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है, वरना तो आपके ये प्लांट मर जाएंगे। अब इसके अंदर मैं इस कटिंग को लगा दूंगा और इसको भी लगाऊंगा, हालांकि इसको कट कर लेता हूं मैं इस तरीके से, और इस तरीके से ये मेरी कटिंग लग जाएंगी। और मैं चाहूं तो इसके अंदर रूटिंग हार्मोन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और पाउडर को यूज़ ना करके मैं इस वाले रूटिंग हार्मोन को यूज़ करूंगा आज, जो कि काफ़ी कॉस्टली है और सारे के सारे एक साथ निकाल करके इनको मैं लगा दूंगा। मिट्टी की भी कमी हो गई नहीं हुई है, खैर हो जाएगा काम थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से ये देखें लगा हुआ है, तो मैं इसमें लगा दूंगा ये, फिलहाल देखेंगे इसका भी रिजल्ट कैसा रहने वाला है। इसको हम करते हैं एक साइड, ये देखें ये हमारी लग करके हो चुकी है रेडी है, तो ये भी मेरे ख्याल से पोथोस पर ये सूख चुका है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो अब इसमें हम देंगे पानी और पानी दे करके हम रख देंगे इनको सबको छायादार जगह में। अभी लाता हूँ पानी, दिखाओ